आज वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐतिहासिक मुकाबले में भिड़ेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स। फाइनल मैच को लेकर बोले रोहित शर्मा, सभी 11 खिलाड़ियों का जीतने पर होगा फोकस। जैसे पूरा टूर्नामेंट खेला वैसे ही फाइनल भी खेलेंगे। प्लेइंग 11 पर बोले रोहित शर्मा, पिच के हिसाब से करेंगे प्लेइंग 11 पर फैसला। रोहित शर्मा ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को भी जमकर सराहा। अहमदाबाद की पिच पर भारतीय कप्तान का बयान, ऐसा में रोहित ने कहा धीमी पिच होगी, टीम को अच्छा खेलना होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचते ही पिच देखने गए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, कहा मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहां खेला था, मैं अच्छा पिच रीडर नहीं। फाइनल मुकाबले में लगेगा वीआईपीस का मेला, प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह भी फाइनल देखने जाएंगे। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम को मैच देखने का न्योता, एल्बनीज की जगह डिप्टी पीएम रिचर्ड माल्स देखेंगे मैच। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैच देखने के लिए पहुंचेंगे आज। क्लोजिंग सेरेमनी में प्रीतम और जोनीता गांधी करेंगे परफॉर्मेंस, प्रीतम ने ही वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग भी कंपोज किया है। वर्ल्ड कप फाइनल्स के बाद होगा ड्रोन शो, दिल्ली से खास कंपनीज को बुलाया गया। वर्ल्ड कप फाइनल को भव्य बनाने की तैयारी लगातार जारी, 9 मिनट तक चलेगा 1200 ड्रोन्स का शो। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सोनिया गांधी ने टीम इंडिया को दी ढेरों शुभकामनाएं, बाकायदा सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैयारियां पूरी, सुरक्षा के किए गए सख्त इंतजाम। फाइनल से की जा रही यात्रा को रेलवे का तोहफा, मुंबई से चलाई गई स्पेशल ट्रेन। भारत ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला देखने के लिए दर्शकों में उत्साह, स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद रवाना हुए दर्शक। फाइनल मैच देखने के लिए अमेरिका से अहमदाबाद पहुंचा फैन, 1,00,000 रुपए की टिकट खरीदी। वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने के लिए बॉलीवुड सितारों का जोश हाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची अभिनेत्री उर्वशी राउटेला। वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती आयोजित हुई है, महाकाल से प्रार्थना की जा रही है टीम इंडिया की। टीम इंडिया की जीत के लिए की गई प्रार्थना, दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती। कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं का दौर तेज। मथुरा में साधु संतों ने की टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना, विधि विधान के साथ हुआ हवन और पूजन। बलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले को लेकर मंदिरों में प्रार्थना, विशेष आरती का आयोजन। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हवन और पूजा, भारत की जीत के लिए मांगी गई दुआएं। फाइनल्स को लेकर क्रिकेट फैंस में बहुत ज्यादा उत्साह है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर जुटने लगी भीड़। Zee News.